हे गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस आर एस शर्मा की जो तो सीरीज चल रही है कॉन्टिन्यू चलती रहेगी आज उसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जोग्राफिकल सेटिंग के बारे में होप फुली आपने वो चैप्टर रिवाइज जरूर करा होगा तो गाइस कैरी ऑन करते जाओ क्योंकि साथ साथ चलोगे ना सिलेबस के तो तुम्हें भी ईजीली आसानी होगी काम करने में ठीक है तो देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर हम बिना जोग्रफी के पढ़ोगे तो तुम्हें समझ ही क्या आएगी है ना क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री की जोग्रफी की आपस में कनेक्टेड है किसी भी जगह का क्लाइमेट किसी भी जगह का सॉयल किसी भी जगह का वहाँ का लोग वहाँ के काम कैसे होते हैं वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है ये सब जानने के लिए जरूरी है आपस में हिस्ट्री और जोग्रफी का कनेक्शन समझना इंडियन सब तुम जानते हो इज एज लार्ज एन एरिया एज यूरोप विदाउट रशिया टोटल एरिया तुम्हें याद रखना है कितना था एरिया तो इसका याद रखना है डाटस फोर टू जी टू जीरो टू फाइव डबल जीरो स्क्वायर किलोमीटर था सब कॉन्टिनें डिवाइडेड था हमारा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में तो समझो मेन मुद्दा क्या है इंडिया कंप्राइजेस करता था ट्वेंटी टू स्टेट और नाइन यूनियन टेरेटरीज आज तो हमारा चेंज हो चुका है ना तो कई स्टेट्स लार्जर थे है ना देन मैनी यूरोपियन कंट्रीज फॉर इंस्टेंस अगर तुम बिहार की बात करोगे तो बिहार इज एज लार्ज एन एरिया एज इंग्लैंड और मध्य प्रदेश इज एज लार्जर देन सेवरल यूरोपियन कंट्रीज तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल यूनिट है ठीक है ज्यादातर सिचुएटेड कहां था ट्रॉपिकल जोन में कहां पे बाउंडेड था हिमालयस में नॉर्थ में सीज और अंदर साइड ये सब ऐसे कनेक्टेड था हिमालयस क्यों इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए क्योंकि कोल्ड आर्कटिक विंड्स आती हैं जो ब्लो करती हैं फ्रॉम साइबेरिया थ्रू सेंट्रल एशिया उससे बचा रखा है तो देखो हिमालयस की भी ना कितनी ज्यादा सोचो वैल्यू है हमें पता होनी चाहिए इसीलिए नदरन इंडिया का क्लाइमेट फेयरली वार्म रहता है थ्रू आउट दियर सिंस द कोल्ड इज नॉट एव सिवियर इन दी जैसे प्लेन्स में वो हो सकती थी लेकिन वो नहीं है तो पीपल डो नॉट नीड हैवी क्लोथिंग की जरूरत नहीं है कैन लिव इन ओपन एरिया फॉर लॉन्गर पीरियड्स तो सेकेंडली हिमालय के पास शील्ड है एक तरह से हिमालय क्या कर रहा है हिमालय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक शील्ड का, का काम करता है ठीक है अगेंस्ट द इन्विजन्स फ्रॉम द नॉर्थ दो तरह की हेल्प कर रहा है एक तो तुम्हें क्लाइमेटिक तरीके से बचा रहा है दूसरा तुम्हें किसी भी तरीके के इन्विजन से बचाता है तो दिस वॉज स्पेशली ट्रू इन प्री इंडस्ट्रियल टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कम्युनिकेशन वर वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज हावे पर अगर तुम नॉर्थ वेस्ट सोलेमन माउंटेन रेंजेस की तरफ जाओगे साउथ वेस्ट कॉन्टिनेशन में जो है ना हिमालयस के वो क्रॉस करता है थ्रू कैसे क्रॉस करते हो खैबर और तुम्हारा गोमल पासिस है तो जो सोलेमान रेंजेस हैं वो ज्वाइन करते हैं तुम्हारे बलूचिस्तान पे बायदा किर्थर रेंज फिर क्रॉस होके थ्रू बोलन पास आप जाते हो तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एंशेंट इंडिया तो थ्रू दिस पासिस टू वे ट्रैफिक बिटवीन हब आपका इंडिया और सेंट्रल एशिया की तरफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स में आता था ट्रैफिक अब देखो क्यों लोकेशन जितनी पर्टिकुलरली बताने की कोशिश कर रही हूं मैं तुम्हें इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूं तुम्हें जानना इसलिए जरूरी है यार जब तक तुम्हें ना पता ही नहीं होगा कौन सी जगह से ट्रैफिक जा सकता है कहां से लोकेशन चीजें खुली हुई हैं तब तक तुम कैसे पता लगाओगे एक बात बताओ कैसे पता लगाओगे कहां से ट्रेड होगा कहाँ से इनवेडर्स घुसेंगे कहां से इम माइग्रेंट्स आएंगे इसलिए जानना जरूरी है तो इवन इन हिंद कुश जो वेस्ट वर्ड आपका एक्सटेंशन था हिमालयन सिस्टम का डिड नॉट फॉर्म कोई बैरियर बिटवीन द इंडस सिस्टम एंड ऑक्सिस सिस्टम वहां पर कोई फॉर्म नहीं हुआ होता तो जो ये पास था ये फैसिलिटेट कर रहा था पास ये फैसिलिटेट कर रहा था हिंदुकुश का कि आपका राम से ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया और जितने भी सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनमें हो पाए ठीक है कहाँ से हो पा रहा था वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयन सिस्टम यहां पर तो नहीं तो जो पासस जो आसपास मिलते थे उससे यहां पर आराम से ट्रैवलिंग हो जाती थी अब आगे की कहानी सुनो तो हिमालय आर द वैलीज ऑफ कश्मीर एंड नेपाल है ना सराउंडेड ऑन ऑल हाई माउंटेन्स हैं एक वैली ऑफ कश्मीर है डेवलप हुई ऑन इट्स वे बट इट कुड बी रीच थ्रू सेवरल पासिस से रीच हुई है ऐसे विंटर जो है वहाँ के कंपेल करते थे कई लोगों से टू गो टू प्लेन्स है ना जब विंटर्स पड़ती थी तो तुम्हें पता है ना जितने भी शेफर्ड्स होते थे वो प्लेन एरिया की तरफ आते थे इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंट्रैक्शन होता था यानी प्लेन एरिया का और वैली एरिया का वो हमेशा चलता रहा तो पामिर प्लेट्यू था इसने को डॉन्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग ट्रांसमिटिंग सेंटर ऑफ बुद्धिज़म फॉर द एडजस्टेंट सेंटर ऑफ सेंट्रल एशिया तो वैली ऑफ नेपाल इज स्मॉल इन साइज एक्सेसिबल थी गैंगटिक प्लेन से ये सारी चीज़ें तो लाइक कश्मीर बोथ द वैलीज बिकेम आपकी ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ संस्कृत मोनोस्क्रिप्स वहाँ पर भी तुम्हें देखने को मिलती थी आगे देखो जोग्राफिकल सेटिंग की बात यहाँ पर आ गई है तो गए जिसने भी हिस्ट्री ऑप्शनल ले रखा है ना तो मैप की प्लीज स्टडी करते रहना साथ साथ एन के मैप रिवाइज़ ज़रूर करो कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है ग्रेट प्लेन कहाँ है ग्रेट इंडियन डेजर्ट किरथार हिंद कुश हिंदराज थोड़ा सा इसको ज़रूर ध्यान रखना वाइल्ड प्रिपेयरिंग योर एनशेंट हिस्ट्री ना थोड़ा आसान रहेगा तुम्हारे लिए हिस्ट्री को याद रखना क्योंकि हमें फटाफट ना याद हो जाता है मैप्स की मदद से जो फुटहिल्स है ना हिमालय के हिमालयस के लैंडल टू ईजर क्लियर इन एन द जंगल्स हिमालयस के फुट को क्लियर करना आसान था दैन जो एलिवेंस वाइल ऑफ द प्लेन्स के जंगल से ज़्यादा। तो क्रॉस करना रिवर को इन एरिया से क्योंकि भाई स्मॉलर वर्थ होती थी ईजीएसट रूट होते थे तो भाई आराम से हो जाता था काम नेचुरली यहाँ पर अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट देखने को मिली है तो ये चीज़ें इंफॉर्मेश्स तुम्हें याद रखनी है कि अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट आई स्टेट्स वर फाउंडेड इन दी फुट हिल्स इन दिक्स सेंचुरी बी सी यहीं पर आपके ट्रेड रूट्स थे फॉलोइंग द तेराई रूट तेराई रूट मतलब कोई प्लेन एरिया वाला आ गया तो यहाँ पे शुरू हुआ है ये इन्फॉमेशन तुम्हें याद रखनी है तो हार्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंडिया इज फॉर्म बाई इट्स इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना हम कहते हैं इंडिया का हार्ट हिस्टोरिकल इंडिया का कैसे बना रिवर्स से बना स्वेलन बाय ट्रॉपिकल मानसून रिवर्स आती थी जिसमें कि हम बात करते हैं इंडस इन हिंदी नॉर्थ वेस्ट अभी तुमने देखा ना ऊपर रिवर्स भी देख रहे थे हम तुम्हारे मैप में गंगा यमुना दवाब इंदा मिडल गैंगटेक बेसेंस ब्रह्मपुत्रा बेसिन ये सारे बेसेंस आपके बनने लग गए अब बनने लग गए तो जैसे जैसे प्लेन के बाद तुम इंडस सिस्टम में जाओगे गैंगटेक बेसिन में जाओगे ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जाओगे तो ग्रेजुअली रेनफॉल वगैरह भी इंक्रीज होने लग गई रेनफॉल इंक्रीज हुई तो वेजिटेशन आने लग गई वेजिटेशन आने लग गई तो तुम देखते हो कि भाई रेनफॉल कुड़ बी क्लियर विद स्टोन एंड कॉपर इंप्लीमेंट्स है ना जितने भी कल्टिवेशन के लिए वहाँ पे सामान पहले तो इतने होते ना टूल्स बड़े सस्ते सस्ते टूल्स थे पहले स्टोन होते थे कॉपर इंप्लीमेंट्स होते थे बड़े बड़े आयरन के इस तरह के सामान नहीं आए अभी आएंगे तो मैं तुम्हें तो बताऊंगी कहां पर ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आने लग गई तो बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ मिडल गैंगेटिक वेजिटेशन में जहाँ पर 60 से 120 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती थी एंड सर्टनली नॉट इन केस ऑफ लोअर गैंगेटिक वाले में भी नहीं हुआ ब्रह्मपुत्रा वेजिटेशन वहाँ पर एक सौ पच्चीस सौ सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है तो थिकली फॉरेस्टेड एरिया थे क्या <coughs> था उसमें हार्ड सॉइल थी कुड बी क्लियर ओनली विद द हेल्प ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स ठीक है तो जैसे ही वंस ब्रॉड अंडर कल्टिवेशन इंडस गैंगेटिक प्लेन में क्या होने लग गया देखो देखो वेजिटेशन आने लग गई है ना कई चीज़ें देखो बदलती है मैं तो मैं कह रही हूँ ना जोग्रफी बहुत ज्यादा रिलेटेड है तुम्हारी हिस्ट्री से चीजें डेवलप तब होंगी जब ज्योग्रफिकल सिचुएशन चेंज हो रही हैं तो वंस ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन इंडस गैंगेटिक प्लेन क्या प्रोड्यूस करने लगा रिच आपके क्रॉप्स supported by the successive cultures. Indus and Western Gangetic Plain mainly produce wheat and barley वगैरह produce करने लग गया था. Middle and Lower Gangetic Plain में rice produce होने लग गया था. Staple diet थी. This is the very important information. Staple diet Gujarat की, विंध्यास की क्या क्या थी? देखो ये सारी informations निकल के आएंगे कि produce rice which also the staple diet of Gujarat in the south of विंध्यास. हर अपन culture यहाँ पर originate होना शुरू हुआ and the flourish होने लग गया Indus Valley. तो देखो मौसम के चेंज होने से मॉनसूनल रिवर्स के चेंज होने से डायरेक्शन चेंज होने से क्या क्या चीजें होने लग गई तो वैदिक कल्चर ओरिजिनेट हुआ पंजाब में फ्लरिश करने लग गया इन द वेस्टर्न गयाटिक बेसन तो पोस्ट वैदिक कल्चर था जो आपका बेसिकली यहां पर शुरू होगा ऑन द यूज ऑफ आयरन पोस्ट वैदिक कल्चर में क्या हो रहा है गाइस यूज होना शुरू हो रहा है, है आयरन का <coughs> थ्राइव मिडिल गैंगटिक बेसन लोअर गैंगटिक वैली पे जाओगे नॉर्थ बंगाल फर्स्ट केम इन टू लाइम

तो समझ लो सारी लड़ाई किस वजह से प्लेन और वैली एरिया को कब्जा करना है तो स्पेशली द गंगा यमुना दोआब जो था मोस्ट कोविडेड एंड कंटेस्टेड एरिया अब देखो यही से इन्फॉर्मेशन बनके तुम्हारे प्लेन में एग्जाम में आ सकती है ना तो रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है वाई रिवर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज रिवर्स की आर्ट्रीज एंड कॉमर्स कम्युनिकेशन के तरह पार्ट काम कर रहे हैं क्वेश्चन आते हैं पेपर खोलो पीछे अपने प्रीवियस इयर पेपर उसमें पूछे हुए हैं रिवर्स एज आर्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन हाउ एंशियंट टाइम्स में कैसे यूज हो रहा है बहुत डिफिकल्ट था मेक रूट्स मैन एंड मटीरियल मूव बाई बोट तो रिवर रूट्स हमके बहुत हेल्प करते थे मिलिट्री एंड कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में आप आ सकता है तुमसे क्वेश्चन कमेंट करने को बोल देगा तो एविडेंटली जो स्टोन पिलर्स थे मेड बाय अशोका और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री बाय बोट तो रिवर का इंपॉर्टेंस बता रहा है फॉर कम्युनिकेशन कॉन्टीन्यूड रहा टिल द डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फर्दर रि डेट होने लगे नेबरिंग एरियाज में एंड मेड दम फर्टाइल तो सप्लाई करने लगे क्या क्या वाटर टू दैनल कट फ्रॉम दम हाउ एवर दे कॉज है ठीक है क्या कह रहा है कि रिवर्स फर्दर जब अपने डायरेक्शन चेंज करने लगे तो कोई नेबरिंग एरिया तो फर्टाइल बन जाते थे कहीं पर कैनाल बना कट करके जा रही है लेकिन कई जगह पर जब बहुत हैवी फ्लड्स आ जाती थी तो भाई कई कई गांव कई कई विलेज नदन प्लेन्स के उड़ जाते थे सो मैनी एंशेंट बिल्डिंग्स है लेस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट टाउन्स से ना एज तो इंपॉर्टेंट टाउन्स जो आपके थे कैपिटल थी जैसे कि तुम्हें हस्तिनापुर दिखेगी प्रयाग वाराणसी पाटलीपुत्र अब देखो ये इंपॉर्टेंट एंड कैपिटल्स के नाम पता होने चाहिए तुम्हें ये कहां सिचुएटेड है बैंक ऑफ द रिवर में मॉडर्न टाइम में अर्बन साइट्स है सेलेक्टेडली आपके रेलवे रोड जंक्शन में इंडस्ट्रियल माइनिंग जोन इंडस्ट्रियल जोन बने हुए हैं बट बिटवीन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स टाउन्स टाउन मोस्टली सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक छोटी छोटी चीजें यार अगर याद रह गई तो कमाल कर दोगे अब ऑल रिवर्स प्रोवाइडेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज आपको देने लग गई ठीक है और ये कैसे फॉर्म होती थी माउंटेन बैरियर से दस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन बैनसोला जो एरिया हमारा था कलिंगा का या कवरिंग द कोस्टल बेल्ट ऑफ उड़ीसा सिचुएटेड बिटवीन द महानदी ऑन द नॉर्थ गोदावरी ऑन द सोथ तो सिमिलरली आंध्र प्रदेश मोस्टली कहा लय कर रहा है ले कर रहा है बिटवीन योर

अंडर द सतवानाज़ यहाँ पे बड़े सारे टाउन्स एंड पोर्ट्स उनके सक्सेस भी यहीं पर आके रहते रह थे तो फाइनली तमिलनाडु जो था वो क्या निकल के आया सिचुएटेड बिटवीन कृष्णा ऑन दी नॉर्थ एंड कावेरी ऑन द साउथ तो कावेरी डेल्टा की वजह से वेगाई रिवर भी इसके पास थी साउथ पन्नार रिवर थी तो एक डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल जोन बनने की वजह से यहाँ पर कौन बैठा जहां देखो कोई जोन ऐसा होगा पाए डेली इज इंपॉर्टेंट फॉर कैपिटल एज अ कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री तो हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है तभी वो चीज ऐसी कैपिटल सिटी है तो चोला पावर को लगा यार तो बड़ी अच्छी एजुकेशन है अच्छी जगह है यहाँ पे बैठना चाहिए क्योंकि तो भाई तुम्हारा ट्रेड पॉसिबल हो जाएगा ना तो दिस एरिया वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ तमिलनाडु जहाँ पर अपलेंस हैं प्रामिन अंडर पालबाज जैसे कि फोर्थ सिक्स सेंचुरी में बैठते थे तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो पेनेंसुला था वो आपका कोरामंडल कोस्ट था तो ऑल दो जो आपकी जो कोस्ट लाइन थी उनकी जो बॉर्डर्स में ईस्टर्न घाट वगैरह होते थे नॉट वेरी हाई सेवरल ओपनिंग्स होती थी इस पर फ्लो रिवर का कर रहा है तो कम्युनिकेशन ईस्टर्न कोस्ट का वन हैंड होने लग गया आंध्रा से एंड तमिलनाडु और दूसरा फिर नॉट डिफिकल्ट इन टाइम एशिय पोर्ट सिटीज तुम्हारी डेवलप होने लग गई आज अरीमख अरिका मॉडर्न नेम है महाबलीपुरम कावेरीपट्टनम ये सारे के सारे कोरामंडल कोस्ट के पार्ट रहे हैं ये याद रखना है यार पोर्ट सिटीज के नाम साउथ की तो हमें याद ही नहीं रहती तो प्लीज़ बी श्योर यहाँ पर पड़ी हुई है तो वेस्टर्न पार्ट मैं आओ, units, में आओ पहन सुना क्या वी नॉट हैव डस्टिंग रीजनल यूनिट्स बट ये महाराष्ट्र में लोकेटेड थी बिटवीन ताप्ती ऑन दी नॉर्थ एंड भीमा ऑन दी साउथ तो आर्क जो था ना कवर्ड बाय कर्नाटका सीम्स टू हैव बीन सिचुएटेड बिटवीन भीमा और अपर रीजन कृष्णा के होता था लॉन्ग टाइम हुआ तुम बजरा ने नेचुरल फॉरेस्ट वगैरह करने लग गए पहाड़ जाने लग गई चालू क्या जाने लग गए तो कहीं कहीं उनको जहां डिफिकल्ट होता था वहां चले जाते थे एक्सटेंड कर लेते हैं अपनी टेरिटरी को है ना तो देखो ये सब चीजें शुरू हो गई तो यानी कि तुम समझ लो ना कि वाई जोग्राफी इज कनेक्टेड टू द हिस्ट्री बिकॉज लोकेशन हमें बताएगी कि कौन सा राज्य कहाँ पर आ सकता है क्योंकि मेरे लिए अगर लोकेशन अच्छी होगी तभी तो यार मैं वहां पर जाऊँगी ना मुझे सारी फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए वाई यू गाइज कम टू द डेली फॉर द कोचिंग पर्पज क्योंकि आपको पता है वहाँ पर सब चीज़ें फैसिलिटेट हो जाएंगी लेकिन अब तो मैं कहूँगी यार ऑनलाइन बैठो आराम से पढ़ो जहाँ पर भी हो आप क्योंकि ऑनलाइन इतना अच्छा सिस्टम क्रिएट करा जा रहा है इवन विद आर चैनल इफ़ यू आर सब्सक्राइब आर चैनल आपको बहुत कुछ मिलेगा हर चीज आप चैनल आप देगा आपको तो आप कॉन्टिन्यू रहिए यहाँ पर तो कोस्टल एरिया जो एक्सट्रीम साउथ वेस्ट का है पेनंसुला का वॉज कवर्ड बाय द मॉडर्न स्टेट ऑफ केरला कोस्टल एरिया का है एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में जाओगे अगर तो तुम्हें मॉडर्न स्टेट केरला मिलेगा सी कोस्ट जो है वेस्टर्न पार्ट का पेनन्सोला में मालाबार कोस्ट कहते हैं ठीक है आज भी कहते हो ना मालाबार कोस्ट तो ये याद रखो यार लोकेशनस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ऑल दू दू कोस्ट है केम टू है स्मॉल किंगडम्स है इनका कम्युनिकेशन बना हुआ ज्वाइनिंग एरिया महाराष्ट्र कर्नाटक केरला के साथ वॉज रेंडर डिफिकल्टू है हाई वेस्टर्न गार्डन समथिंग लाइक दैट तो इन बिटवीन जो तुम्हारा इंडस्ट्रॉ गैंगटिक था नॉर्थ आपकाटिक सिस्टम है नॉर्थ में विंधिया माउंटेन्स है साउथ में तो डिवाइड हुए ना अरावली माउंटेंस भी आ गए बीच में एरिया वेस्ट का जो तो था वह रावली से कवर्ड था थार डेजर्ट था राजस्थान का पार्ट था वास्ट एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट था ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे इम्पॉसिबल थी फ्यू फर्टाइल कहीं जहाँ पर जगह होती थी जहाँ पर डेजर्ट में भी सर्वाइव करते थे वहाँ लोग रहते थे साउथ इस्पर्ट पोर्शन जो राजस्थान का था वो कंपेरेटिवली फर्टाइल एरियाज इन एंशन टाइम बिकॉज ऑफ द ऑफटेंस ऑफ खेतरी कॉपर माइंड होते थे वहाँ पर तो वहां पर जहाँ देखो जहां समझ रहे हो ना चालकोतिक तुम्हारी पीरियड में यही खेत्री खेतरी कॉम्परमाइज काफी इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर जहां रहने लायक -like सिचुएशंस थी वहां पे लोग रह रहे थे काम कर रहे थे तो राजस्थान में शेड्स ऑफ इंटू द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गुजरात जो कि क्या ड्रेन करते थे बाय बाई नर्मदा ताप्ती और माही एंड साबरमती के साथ इनके साथ कनेक्शन था तो एंड ऑफ पे ये सिचुएटेड था जो डेकन प्लेट्यू का पोर्शन है तो गुजरात वहां पर बेसिकली लेस रेनी रीजन था मैंने सुना, तो कोस्टल एरिया जो स्टेट का था फेयरली आपका एग्जिस्टेंस यहाँ पर सेवरल हार्बर्स थे तो फ्रॉम एंशंट टाइम तुम देखोगे गुजरात इस वजह से इन सब कारणों की वजह से गुजरात एक फेमस कोस्टल एंड फॉरेन ट्रेड बन पाया यहाँ पर कई ट्रेडर्स ने कहा कि भाई बेस्ट जगह है बेस्ट लोकेशन है पर ट्रेडिंग करने की क्यों क्योंकि तुम्हारे पास रिवर सिस्टम है तुम्हारे पास प्लेट्यूज है ये सारी चीजें आप चलो साउथ ऑफ द गंगा यमुना दोब में चंबल रिवर मिलेगी वेस्ट में सोन रिवर मिलेगी ईस्ट में विंध्यास वगैरह नर्मदा साउथ में मिलेंगे तुम्हें यानी कि हम ज्यादातर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो नदन पार्ट इसका फर्टाइल था एट प्रेजेंट भी अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट स्टेट है हमारी कंट्री का एंड इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेन्ट टू पार्ट ईस्टन और वेस्टर्न तो ईस्टर्न पार्ट मोस्टली कवर्ड है बाई विध्यास जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा टिल गुप्ता टाइम तक विंध्यास इज नॉट इम्पॉर्टेंट फोर्थ सेफ्थ सेंचुरी में थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस समझ आई तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश जो था मालवा रीजन जो था वो हिस्टोरिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत प्रसिद्ध था क्यों क्योंकि मालवा एक हिंडरलैंड था किसका गुजरात पोर्ट्स का बहुत सारी वॉर्स बिटवीन द डेकन एंड नॉर्थन पावर्स की ना मालवा के चक्कर में हुई है देखो लोकेशन जहां अच्छी होगी यार पहले लोकेशन के पीछे लोग लड़ते थे कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें, चाहिए, हमें ये हत्यानी है तो साकाज और सतवाना जो थे उनकी लड़ाई इसी वजह से तो हुई थी इन्फॉर्मेशन याद रखो वाई मालवा वाइज इंपॉर्टेंट जाके यहाँ पर काम कर रही है तो ईच वन ऑफ द एरियाज बाउंडेड बाय दी केसेस में आपका माउंटेन्स में समटाइम तुम्हारे डेल्टा रीजन से प्लेट्यू से सबसे लगा पड़ा था देखो इसके अंदर तुम्हारा समटाइम्स आइडेंटिकल विद डेल्टीट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का काम करता था तो इन विच डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज़ यहाँ पर रोज एंड फेल गिरती पड़ती रहती थी तो डिफिकल्ट कम्युनिकेशन था वास्ट कंट्रीज से डिफेंसबल ऑफ द नेचुरल फ्रंटियर तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर द रूलिंग क्लास और वन रीजन टू स्टेब्लिश इट रूल ओवर ऑल दी अदर रीजनस क्योंकि सिस्टम समझो जो ऐसी नहीं थी आसान कि सब जगह पर आप रूल कर पाओगे तो इन कोर्स ऑफ टाइम हर रीजन में डिस्टिंग कल्चरल यूनिट आने लग गई सबकी लाइफ लैंग्वेज अलग हो गई नर्द वेस्टर्न इंडिया मोस्ट लैंग्वेजेज जो थी वो आपके सेम देखो ध्यान से सुनो नर्दन एंड वेस्टर्न इंडियन में ज़्यादातर लैंग्वेज कहाँ से डिराइव हुई इंडो आर्यन स्टॉक तो तुम्हें इंडियन नॉर्दन वेस्टर्न जाने में दिक्कत नहीं होती है मेनी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नजर आते हैं संस्कृत भी यहाँ पर थी कॉमन है ना

वहां पर कई सारे सेटलर्स एंड ट्रेडर्स बैठने लग गए और पूरा फॉरेन ट्रेड तुम्हारा फ्लरिश करने लग गया तो विंध्या जो थे उनके पास अनसरमाउंटेबल बैरियर्स थे नहीं थे सॉरी ठीक है तो इन एंशन टाइम स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द कम्युनिकेशन पीपल आपके नॉर्थ से साउथ जाते थे इससे क्या हुआ नॉर्थ से साउथ जाओगे माइग्रेशन होगा तो कुछ तो एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज क्या होता था कल्चर और लैंग्वेज का एक्सचेंज होना शुरू हो गया अगेन एंड अगेन नदर पावर्स मूव डाउन टू द साउथ एंड सदर्न रूलर्स आपके नॉर्थ की तरफ चले जाते थे सो so, अब ट्रेडर्स के रूप में मशीनरी की वजह से कल्चरल लीडर्स की वजह से पर्टिकुलरली द ब्राह्मण चले जाते थे कल्चरल लीडर टू वे ट्रैफिक क्या हुआ रिमेंड कॉन्स्टेंट एंड हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपोजिट कल्चर तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा जी अच्छा कंपोजिट कल्चर कैसे क्रिएट हुआ तुम्हें भाई साहब पता होना चाहिए कि कैसे आपस में इनका मिंगल होता था कैसे आपस में मिलते थे कहां पर मिलते थे वजह क्या थी क्यों आपस में माइग्रेशन करते थे कौन लोग करते थे ये याद रखना है ट्रेवलर्स कौन थे तो ऑल दो मोस्ट जो तुम्हारे आपके रीजन्स थे हैड वेल डिफाइंड नेचुरल फ्रंटियर्स थे उनके नॉट एवरी रीजन पजेज द रिसोर्स नेसेसरी टू कीप लाइफ गोइंग और प्री हिस्टोरिक टाइम पे जाओगे तो कॉमन नीड क्या थी यार याद रखना पूछेगा प्री हिस्टोरिक टाइम की कॉमन नीड तो क्या बोलोगे मेटल्स एंड अदर रिसोर्सेज जो कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क पैदा करते थे बिटवीन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल की अगर हम बात करें कंट्री में तो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन सेटलमेंट आपका डेवलप स्केल तो इंडियन प्लेन जो थे वो थिकली फॉरेस्टेड एरिया में बाउंडेड थे जिसमें गेम वगैरह ये सब ना सप्लायर्स फ्यूल ये सब टिम्बर वगैरह की सप्लाई भी होती थी अर्ली टाइम्स में देखा गया है जो आपके ये टिम्बर हाउसेज होते थे कंस्ट्रक्ट किए जाते थे अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट नैस फाउंड इन इंडिया ठीक है हिली एरिया थे रिवर वैलीज थी सिचुएटेड बिटवीन द हिल्स हिस्टोरिकल टाइम्स में देर वर टेम्पल्स क्ल्पचर्स जो आपके स्टोन वगैरह से बने होते थे डेकन एंड साउथ इंडिया में तो प्लेन इंडिया नॉर्थ इंडियन इंडिया में कम होते थे डेकन इंडिया में तुम्हें ज़्यादातर क्या मिलते थे टेम्पल्स एंड मिलते थे ठीक है चलिए आगे कंट्री में क्या कॉपर माइंस भी थी हाँ जी बिल्कुल थी रिचिस कॉपर माइन का नाम बताओ तो तुम्हें याद रखना है छोटा नागपुर पर्टिकुलरली ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में था तो कॉपर बेल्ट क्या है वन थर्टी किलोमीटर लॉन्ग है कई साइन देती है एंशियंट वर्किंग्स की अर्स पीपल हु यूज कॉपर इंप्लीमेंट इन बिहार द कॉपर माइंस ऑफ सिंहभूम हजारीबाग एंड बहुत सारे कॉपर टूल्स भी यहां पर इस्तेमाल किए जाते थे ठीक है अब देखो डिस्कवर कॉपर बेल्ट खाली यही नहीं कि आपका छोटा नागपुर प्लेटी साउथ बिहार पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पर भी था रिच कॉपर डिपॉजिट्स आपको मिलते थे खेतरी माइन्स इन राजस्थान के अंदर भी तो वही प्री वैदिक टाइम वैदिक पीपल में जो आपके पाकिस्तान राजस्थान वगैरह गंगा यमुना दुआब में रहते थे यहाँ पर न्यूमिरस कॉपर सेल्स यूज होती थी खेतरी जोन में एंड क्यों यूज होता था याद रखो यार सिंस कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज इट इज़ इन्वेस्टेड विद ग्रेट प्योरिटी बाय द हिंदूज एंड कॉपर यूटेंसिल्स को रिचुअल्स में भी यूज करा जाता था प्लीज मार्क दिस पॉइंट सारे फैक्चुअल डेटा को पी जाओ जितनी जल्दी पियोगे उतना तो आसानी होगी काम करने में कंट्री टूडे इवन प्रोड्यूसिस नो टिन उस समय तक टिन विन नहीं था एंड दिस इज वॉज कार्स इवन इन एंशंट टाइम्स आज भी दिक्कत है ना जैसे टिन की उस समय भी थी तो दर इज रीजन टू बिलीव दैट इट वॉज फाउंड इन राजस्थान एंड बिहार ठीक है लेकिन कह रहा है कि, कि बिलीव करने का था राजस्थान बिहार में मिलता था बट डिपॉजिट है ब्रांच कैन बी मेड ओनली बाय मिकसिंग टिन विध ब्रांज कैसे बनाते हो अ पड़ा है ना तो टिन और अगर कॉपर को मिला दोगे तो ब्रांच बन जाएगा तो वी डो नॉट फाइंड एनी ब्रांज ऑब्जेक्ट्स इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स हड अपन पॉसिबली प्रोक्योर करते थे सम टिन फ्रॉम राजस्थान बट देन मेन सप्लाई केम फ्रॉम अफगानिस्तान अब ये डेटा याद रखोगे

बर्मा मलाई अप्रेन टी ऑफ टेन वगैरह तो ये हमें मिलता था तो दिस मेड पॉसिस के तो स्पेशली फॉर द स्टेचू ऑफ गॉड साउथ में ये सब में तो टिन फॉर द बिहार ब्रॉन्ज ऑफ पाला टाइम पॉसिबली ऑफ टेन फ्रॉम आपके गया हजारीबाग रांची से मिलता बिहार में पूछ लेगा कहां से तो भाई जी ये चार ठीक है हजारीबाग गया और रांची फॉर हजारीबाग टिन ओवर्स वर स्मेल्टेड टिल द मिडल सेंचुरी तो इंडिया हैड बिन रिच इन आयरन पर्टिकुलरली कहाँ से मिलते हैं MP, तो वंस द आर्ट ऑफ स्मेल्टिंगल फॉर्मेशन ऑफ ए फर्स्ट एम्पायर मकदा इन सिक्स टू फोर्थ सेंचुरी बीसी उसके पास आयरन की अवेलेबिलिटी थी जस्ट साउथ ऑफ दिस रीजन तो लार्ज स्केल आयरन का यूज हुआ मेडवंती में कैपिटल उज्जैन एन इम्पोर्टेंट किंगडम इन सेंचुरी सिक्सनाज ने यूज करना इसको समझा जरूरी आयरन ओड्स को इस्तेमाल होने लग गया तो क्या आंध्रा में था आयरन आंध्रा में क्या था रिसोर्स इन लेड यानी कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लेड क्वाइंस होते थे इन द किंगडम ऑफ सतवानाज रोल्ड ओवर आंध्रा एंड महाराष्ट्र याद रखो सतवानाजी तो अर्लियस्ट क्वाइंस जिसको हम क्या कहते थे पूछा जाएगा अर्लियस्ट क्वेंस कौन से थे पंच मार्क्वाइंस बनाओ एक कॉपी में लो सारे फैक्चुअल डेटा या बुक में ही उसको इतना मार्क कर लो रोज पढ़ो उसको बैठ के लार्जली तुम्हारे सिल्वर से बने होते थे ये ऑल दो दिस मेटल इज रेयरली फाउंड इन द कंट्री हावर सिल्वर माइन्स कई अर्ली टाइम्स में खड़गपुर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगे आर मैं टाइम ऑफ अकबर ठीक है यूज ऑफ वाइट मेटल इन दर्लीअ में फाउंड इन बिहार ऑल्सो गोल्ड कहां मिला भाई तो गोल्ड भी मिला कोलर गोल्ड फील्ड में कर्नाटका में तो वेरी अर्ली ट्रेस ऑफ गोल्ड जो आपके मिलने लग गए न्यू स्टोन एज में मिलने लग गए कर्नाटका में तो वी हैड नो इंडिकेशन ऑफ दिस द बिगनिंग ऑफ सेकंड सेंचुरी तो कोलर जो है अर्लिएस्ट कैपिटल ऑफ गैंगेस ऑफ द साउथ कर्नाटका प्लीज मेमोराइज दिस इन्फॉर्मेशन मच ऑफ द गोल्ड यूज होने लगे अर्ली टाइम्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया रोमन एम्पायर गोल्ड क्वाइंस देर फॉर केम इन टू रेगुलर यूज इन द फर्स्ट फाइव सेंचुरीज है ना तो लोकल रिसोर्सेज सफिशियंट नहीं थे टू मेंटेन द गोल्ड करेंसी तो फिर भाई वन दप्लाई अवर वर्ड लोकल रिसोर्स सफिशियंट नहीं थे गोल्ड करेंसी को मैंटेन करने के लिए इसलिए इसकी सप्लाई क्या हुई जैसे ऐसे बाहर से आना बंद हुआ गोल्ड क्वाइंस रेर हो गए तो इन एंशियंट टाइम्स इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस ए वैराइटी ऑफ प्रेशर स्टोन्स कुछ पर्ल्स वगैरह सेंट्रल एशिया में उड़ीसा में साउथ इंडिया में मिलता था तो प्रेशर स्टोन फॉर्म एन इंपॉर्टेंट आइटम इन ट्रेन आर्टिकल्स वगैरह रेगुलरली मिलने लग गए रोमस में अर्ली सेंचुरी में हमारा थोड़ा सा उनसे एक अच्छा कनेक्शन था ना तो वहाँ से मिलते थे तो अब क्या करो इस पूरे चैप्टर का ना पूरी जोग्राफी समझो ठीक है बार बार लेक्चर सुनो जो मिला है ना रिकॉर्डेड लेक्चर होगा यूट्यूब पर मौजूद रहेगा सुनते रहो और जितना डेटा बताया है ना उसको रट जा लो इतना वीडियो को ध्यान से देखो कि तुम्हें डेटा इमिडेटली रट जाए सारा और चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ो ठीक है कौन सी चीज़ क्यों हो रही है अपने मन में ना क्वेश्चन लेके बैठा करो ठीक है गाइस सो होपफुली यू लाइक द लाइसेंस और थैंक यू गाइस कीप फॉलोइंग कीप सब्सक्राइबिंग आर चैनल थैंक यू सो मच